तो IMA के में जो जिसका हाथ है, दूर दूर से अगर हाथ है, अगर किसी कोई भी पार्टी उनको सीट दी तो उसमें आप डाउट ही मत रख लीजिए कि हम लोग जो चाहे वो करेंगे, मगर करप्ट आदमी को आने नहीं देंगे, बस है करप्ट लोगों का। नहीं, लेकिन आप किस हक से जाएंगे वोट मांगने कि जब स्कैन हुआ और आपने वहां आके आवाज नहीं? क्लीन कैंडिडेट को जो IMA का जो बहुत बड़ा इफेक्ट है, दैट विल प्ले वेरी बिग रोल। IMA की तरफ से गवर्नमेंट गिर गई थी, तो पांच भी मुस्लिम्स को ही दे सकता हूँ। शिवाजीनगर से भी बहुत लोग आगे मिल रहे हैं, टैलेंटेड यंग बॉयज, उनको डालेंगे भी और जो जरूरत है वो करेंगे, लेकिन एक करप्ट आदमी को आने नहीं देंगे। मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं BSP के लीडर शरियार खान साहब से। शरियार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे सवाल ये है कि बाई इलेक्शन होने वाला है, तो क्या लगता है आप खुद खड़ा हो रहे हैं या किसी और को खड़ा कर रहे मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, हैं? मुझे पूरा पूरा मैंडेट हाई कमांड से आया है कि मैं जिसे चाहे डाल सकता हूँ। 15 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैं चाहे तो पांच भी मुस्लिम्स को ही दे सकता हूँ। हमारी पार्टी का ये सोचना है कि मुस्लिम्स बड़े बैकवर्ड रह गए, दूसरे पार्टीज इनको यूज़ करे हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव का ये है। तो हम लोग हैमर एंड टोंग्स जा रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मुस्लिम लीडर्स को जो मेरे पास आके मिल रहे हैं, शिवाजीनगर से भी बहुत लोग आके मिल रहे हैं, टैलेंटेड यंग बॉयज, उनको डालेंगे भी और जो ज़रूरत है वो करेंगे, लेकिन एक करप्ट आदमी को आने नहीं देंगे। लेकिन तो फिर शिवाजीनगर से आपको बहुत लोग चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं खड़ा हो रहे? मैं भी बहुत लोग मैं तो शिवाजीनगर के लोगों से मेरा रूहानी ताल्लुकात है, मैं बचपन से उधर जाता था, मुझे बड़ी अच्छी बेंगलुरु की रियल फीलिंग वहीं से आती है। आज भी हमें शिवाजीनगर को आप भी आए थे मेरे साथ, तो लेकिन मेरा ये एम्बिशन है कि सेकंड रंग लीडर्स को क्रिएट करना, बोल के वो स्टेटस कोइस्ट, वही आदमी, वही XYZ जाना बोल नहीं, के। बात यह है कि देखिए, आपसे काफ़ी उम्मीद है लोगों को। लास्ट टाइम हमने आपसे इसके बारे में बात किया था तो आप कह रहे थे कि ठीक है, देखते हैं। लेकिन बात यह है कि आप सेकंड लाइनअप उस वक्त रेडी करेंगे जब आप टीम को लीड करेंगे, तो आप इस मौका में आप क्यों नहीं खड़ा होते? मैं तो अल्लाह का करम है, लीडर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में फ़र्क है, दोनों दोनों भी लीडर हो सकते हैं, लेकिन एक एक लीडर जो यही है ना कि हमारे हमारे कम्युनिटी में ड्रेथ ऑफ लीडर्स हैं। तुम्हें कांग्रेस को जो एक सेट ऑफ लीडर्स आते हैं वही आते हैं, JDS में तो उन्होंने तो अबैंडन कर दिए हैं, और किसी हमारी मुस्लिम मेरे दोस्त को ही दिए हैं टिकट वहाँ से। ऑल द बेस्ट टू देम, बट हमें क्या है, एक क्लीन कैंडिडेट को जो IMA का जो बहुत बड़ा इफेक्ट है, दैट विल प्ले वेरी बिग रोल। IMA की तरफ से गवर्नमेंट गिर गई थी, तो IMA के में जो जिसिस का हाथ है, दूर दूर से अगर हाथ है, अगर किसी कोई भी पार्टी उनको सीट दी तो उसमें आप डाउट ही मत रख लीजिए कि हम लोग जो चाहे वो करेंगे, मगर करप्ट आदमी को आने नहीं देंगे, बस है करप्ट लोगों का। नहीं, लेकिन एक बात सही, आपने कहा कि आपके दोस्त खड़े हो रहे हैं, तो जहाँ तक अभी अनाउंस तो ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन जब उनके फेसबुक के अकाउंट को देखने से पता चला है कि तनवीर JDS ना, से तनवीर खड़े हो रहे हैं और SDPI से हन्नान साहब खड़े हो रहे हैं, तो ये बताइए कि जब इतने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे तो वोट तो बहुत कम है, डिवाइड नहीं होगा? परन साहब, शिवाजीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बहुत बार जख्म खा के है, उनको 35-35 साल से वो लोग, उनको कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो नए चेहरों को देखेंगे। जहाँ तक ये तनवीर का सवाल है, ये जो SDP के कैंडिडेट सवाल है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है शिवाजीनगर के, वो डिसर्निंग एंड इंटेलिजेंट वोटर्स है, जो काबिलियत है उसी को सब मिलकर इन ब्लॉक वोट करेंगे, क्योंकि देखिए, मैंने कुछ लोगों से और इंटरव्यू रोक किया था। सकते नहीं ना कोई भी फील्ड करे हाँ, तो मैंने इन्हें। कुछ लोगों से इंटरव्यू किया था शरियार भाई, तो लोगों ने कहा कि जो IMA के विक्टम है, और करीब करीब शिवाजीनगर से 19,500 लोग हैं जो कि हाँ IMA में जी, इन्वेस्ट किए हैं। आपके सारे IMA के विक्टिम्स, जहाँ तक जी हमारा इंफॉर्मेशन है, मुझे ये भी बोल रहे थे कुछ पुलिस के इंटेलिजेंस, आपके से बड़ा फॉलो कर रहे हैं, हाँ, उनको इजी हो गया है। तो जो हमारे साथ अभी रजिस्टर किए हुए लोग हैं, जी हाँ, 19,500 लोग हैं जो शिवाजीनगर से इन्वेस्ट IMB किए। IMB से आप IMA चैनल रख लीजिए। हाँ। तो अब ये शरीफ भाई कि ये जो लोग आप देखिए, लास्ट ईयर का MLA का रिकॉर्ड देखेंगे तो रोशन बेग ने जीता था, 59,000 वोट उनको मिला था, और सेकंड लाइनअप में 45 या 48 कुछ ऐसा था। तो ये बताइए, और टोटल जो वोट बने थे वो सिर्फ मिले थे 1,05,000 वोट, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस हाल में तनवीर साहब को क्या वोट मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है तनवीर साहब को कुछ वोट मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग IMA के लिए नहीं खड़ा हुए उनको ये 19,500 में से एक वोट भी नहीं देने वाले, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम होता है, कोई लीडर आके सामने बात नहीं करता। आप किस मुंह से जाके जनता को पूछेंगे वोट दो?
तनवीर तो बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन है, वर्क करें फील्ड पे, देखते हैं, ऑल द बेस्ट है। नहीं लेकिन आप किस हक से जाएंगे वोट मांगने कि जब स्कैन हुआ और आपने वहाँ की आवाज़ नहीं उठाई? शायद उठाएंगे, उनकी पार्टी उठाएंगे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन हम मीडिया में तो हम लोग किसी ने कुछ नहीं कहा, जहाँ हम लोग ने हर किसी को, लेकिन अच्छा लड़का है, ट्राई कर रहा है, देखेंगे। हम लोग भी एक जबरदस्त कैंडिडेट को खड़ाएंगे। आप क्यों नहीं खड़ा हो रहे? मैं बोला ना, मैं सेकंड रंग को तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, आप जानते ना कितने अच्छे होने वाले लड़के हैं, स्कूल्स को अडॉप्ट किए हैं, उनको चांस देंगे। तो शिवाजी नगर में अगर शरियार भाई आप किसी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते हैं तो आपका पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या क्या आपका कैंडिडेट अगर जीतता है तो वो क्या क्या करेंगे शिवाजी नगर में? सबसे पहले ये होगा, जिस दिन में हमारा कैंडिडेट जीतेगा, शिवाजी नगर का क्लीन अप करेंगे। मैसी है, रजल मार्केट को हेरिटेज बिल्डिंग शायद डिक्लेयर होके है तो उसको बिल्कुल रिफर्बिश करेंगे, वो उसी स्टेट में जैसे वो बना था। फिर वहाँ के जो गुर्बत में है लोग, कटिंग अक्रॉस द कम्युनिटीज़, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ शिवाजी नगर के ब्यूटीफुल स्कूल्स हैं जो लोग जानते नहीं। ये हमारे जो यंग होनहार बच्चे हैं, कायफ हैं, जाकिर हैं, ये लोग कितना कोशिश कर रहे हैं उनको रिहेबिलेट कर, उनके पास डोनेशंस भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये ड्रीम होगा, मेरा ये विजन है कि वो स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास, स्टेट क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। मैं खुद खड़ के बनाऊंगा, हमारी पार्टी खड़ के बनाएगी, और वहाँ से निकलेंगे बच्चे। आप देखिए, वो जो हिंदुस्तान का मुकद्दस बनाने के बच्चे वहाँ से लेंगे। शिवाजी नगर विल बिकम द मॉडल एरिया फॉर इंडिया, नॉट फॉर कर्नाटका। इतना पोटेंशियल है, इतने टैलेंट है, इतने बच्चे हिजाब पहन के जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने धर्म के कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन उनको वो ये नहीं मिल रहा, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, टीचर्स नहीं है, पॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन से ही आप कौमों को चेंज कर सकते हैं, कुछ दूसरा एक पैगंबर, और पैगंबर खुद बोले कि एजुकेशन। तो मैं एजुकेशन पर पूरी तवज्जो दूंगा, लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, वहाँ के जो हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं उनसे, वो भी उनसे भी हम लोग बात करेंगे। वो भी वक्त के मारे गए हैं, सिस्टम उनको ऐसा बनाया है, उनको भी रिहैबिलिट करेंगे, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाएंगे, एक अलग ही बना देंगे शिवाजी नगर को। शिवाजी नगर बिकम द मॉडल सिटी। वहाँ के पार्किंग का प्रॉब्लम है, फलाना है, ये है, एक्सप्लॉयटेड पीपल वहाँ के लोग। मैं तकरीबन 30 साल से देख रहा हूँ, शिवाजी नगर वैसा ही है, सेम, देर इज नो चेंज, वही स्टेंच, वही स्मेल, वही सब कुछ। तो आई एम गोइंग टू स्ट्रीम लाइन एवरीथिंग, एंड टॉप प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एडुकेशन ऑफ गर्ल्स, वन देन बॉयज। फिर ये है कि वहाँ पे 2 acres की ज़मीन है जिसे बंद कर दिए हैं, पता नहीं क्यों, क्या पॉलिटिकल वजह से है या कई विक्टिम वेंडेटा है, मुझे नहीं मालूम, उसको खोलेंगे। उसमें कैटल्स को ये लोग कूप करते थे, रखते थे, और वहाँ पे अभी वो कैटल मेंस हो गया, वो बंद करने के बाद पूरे कैटल बाहर आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो लिटर करते हैं, गंदगी गलीज हो रही है, उसको भी खोलेंगे। दूसरा है, वहाँ पे स्लॉटर हाउस भी बंद है, देखेंगे क्या उसको परमिशन है, क्या गवर्नमेंट का परमिशन है, क्या वक्फ बोर्ड, आई थिंक वक्फ बोर्ड सर्टिफाइज हलाल हराम, वो सब देखे। अगर यूपी में भी आदित्यनाथ वो स्लॉटर हाउस को बंद नहीं किया जिसको परमिशन थे, इलीगल बने, अगर लीगल है तो इसको भी ऑपरेशनलाइज कमीशन करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। और गार्बेज का प्रॉब्लम है वहाँ पे, वार फुटिंग पे गार्बेज को टैकल करेंगे हम लोग, सारे जो चीज़ें हैं वो जरूर करेंगे, 100% करेंगे। ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ, आप वोट करके देखिए, नहीं चेंज करे तो मैं बैंगलोर छोड़ के कहीं और सेटल हो जाता हूँ। और दूसरा ड्रग्स का मैनेज, ये तो फरहान साहब, ड्रग्स का मैनेज सिर्फ शिवाजी नगर में नहीं, हर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इनको भी है ना, पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके वो एक प्राइवेट ड्रग इंस्पेक्टर्स, वार्डन्स को हम लोग तैयार करेंगे, जो एजुकेटेड लोग हैं बच्चे, इनके घर घर को जाकर इनको सेंसिटाइज करेंगे, इनके ऊपर सर्वेलेंस रखेंगे। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह हो गया तो वहीं खोलेंगे। इनका भी हम लोग इनके ऊपर ईगल्स आई रखेंगे और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा और एक मसला है वहाँ पे सीरियस है कि हमारे गुजरी का जो मोटर पार्ट्स, पेट पार्ट्स के जो वहाँ पे स्टॉल्स हैं, वो एक शिवाजी नगर की पहचान है, वो वेदर वी लाइक इट और नॉट, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है शिवाजी नगर के लिए। हम ना सुनने में आया था वहाँ के ग्रीवेंसेस, वहाँ के लोग आके मिले थे भी कि हम लोग रिलोकेट करेंगे, रिलोकेट का मसला नहीं है, रिलोकेट आज कहाँ कर सकते हैं, बाहर लगे तो वहाँ भी गंदगी होती है। इनको ही इसी मार्केट्स को क्लीन करना, कैसे उनको तहजीब तरीके से रखना, ये करेंगे। रिलोकेट का हम लोग उसका सोचेंगे भी नहीं, उनको हम और इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेटर करके देंगे। दूसरा है स्लॉटर हाउसेस का, वहाँ गंद है, ऑलमोस्ट क्रुएल्टी ऑफ एनिमल के टाइप है,
उसको भी हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे, बिल्कुल मॉडर्नाइज करेंगे, और जितना भी वहाँ के ग्रीवेंसेस है आई एम अवेयर ऑफ इट, आवर पार्टी इज अवेयर ऑफ इट, वॉर फुटिंग पे टैकल करेंगे हम लोग, ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड रख के टैकल करेंगे, और शिवाजीनगर के साथ रह के इंशाल्लाह उसको मॉडल एरिया बनाएंगे बैंगलोर का। हाँ, तो आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में शिवाजीनगर का लगता है सर्वे किया। जी हाँ, जी हाँ, जी तो वो आपका जो ड्रग का मैनेज है जी, एक तरफ तो एजुकेशन का वॉर फुटिंग पे हैंडल करेंगे, दूसरा ड्रग्स का भी वॉर फुटिंग पे हैंडल करेंगे। ये बच्चे स्कूल में जाना, और हम लोग एज का नहीं रखेंगे, जो ड्रग के रिहैबिलिटेंट बच्चे हैं उनको हम लोग बिल्कुल उनको सेंसिटाइज करके उनको सर्वेलेंस में रखे मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ओकेशनल ट्रेनिंग देंगे उनको, ताकि वो निकलते ही उनको नौकरी मिलना, ये भी हम जिम्मेदारी लेंगे। फरहान साहब, वहाँ पे भारती नगर है, जय महल है, संपंगी राम नगर है, फिर विद इन दैट उसी जुरिस्डिक्शन में अलसुर लेक है, यहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे वेमेन सेफ्टी के भी इश्यूज हैं, क्योंकि लेन्स बड़े पतले हैं, हम हमें अगर हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए तो हम लोग पुलिस से भी और सिविक एजेंसी से सिनर्जी क्रिएट करेंगे, ताकि सब मिलके वहाँ पे काम करें, हर चीज़ को होलिस्टिकली हम लोग डील करेंगे। जहाँ एरियाज बड़े उमदा बड़े अच्छे हैं वहाँ भी विजिट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि स्टेटस को और प्रोग्रेस हो, जहाँ पे गार्बेज का प्रॉब्लम है, अलसुर का लेक देखिए, अलसुर लेक में तीरने की जरूरत है, चल के जा सकते हैं, इतना थिक हो गया है पानी, उसे भी क्लीन अप कराएंगे। हर एनवायरमेंटल सेंस में, ट्रैफिक सेंस में, सोशल इश्यूज में, हर इश्यूज में हम लोग इन लोगों के साथ खड़े होकर इनको हर तरह का सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ठीक है शरियार भाई, आपका प्लान शेयर करने के लिए, और दूसरी बात, जब आपका कैंडिडेट अनाउंस हो जाएगा तो उनसे भी इंटरव्यू करके देखेंगे कि उनके अंदर कितनी काबिलियत। शिवाजीनगर के लोग देखेंगे कि जम्हूरियत क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एक एनलाइटेंड एजुकेटेड जो अक्से नबी के इसमें चलने वाले लीडर्स क्या होते हैं, हम करके दिखाएंगे। हमारा कौन भी जीतने जो मैं पीछे खड़ के करूँगा अगर आप जिता दे तो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरियार भाई कि अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो आप क्या क्या बात क्या क्या करेंगे उस पर आपने रोशनी डाला। तो ये बताइए कि कब तक कैंडिडेट आप लोग अनाउंस करने का? 22nd को हमारी मीटिंग है, उसमें चर्चा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि बहुत लोग आए हैं, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, हम लोग उसको उनको अनाउंस नहीं करें, अगर हम लोग अनाउंस करें तो कांग्रेस और जेडीएस के दूसरे पार्टीज के पुर्जे हल जाएंगे, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शरियार भाई, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।